Yes. So I was saying that the angle is right angle को P लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे angle is of measure 90 degree जिसको Q लेंगे और if and only if आया इसका मतलब double implication का आंसर है तो आंसर है P double implication Q. तो हम देख सकते हैं कि थर्ड वाला जो आंसर है वो है P double implication Q. फोर्थ वाला देखते हैं एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज. तो जैसा हमने सॉल्व एग्जांपल्स में देखा था कि एंगल इज नॉट अक्यूट लिखने से अच्छा हम लिखेंगे लेट पी डिनोट्स एंगल इज अक्यूट एंड लेट क्यू डिनोट एंगल इज ऑब्ट्यूज. अब ऑब्वियसली ये नाइदर नॉर है इसलिए अपना आंसर हो जाएगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू क्योंकि हमने P और Q को नॉट के बिना लिया है और स्टेटमेंट में जो है वो नाइदर नॉर है तो नाइदर नॉर का मतलब और वाला ही आता है लेकिन नाइदर नॉर बोला इसीलिए नेगेशन और ये साइड भी नेगेशन आ जाएगा. तो अगर हम आंसर वेरीफाई करें तो आंसर है नेगेशन P एंड नेगेशन Q. तो ये उन्होंने गलत लिखा है एंड नहीं आएगा डेफिनेटली वो बीच में और ही आएगा तो वहां पे उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है. It will be or. Fifth question. If triangle ABC is right angled at P, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. तो अब हमें यहाँ पे if then वाला स्टेटमेंट है तो if के साथ जो होता है उसे हम P लेंगे और then के साथ जो होता है उसे हम Q ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली और आंसर लिख लेंगे P implies Q. वो जो एरो था वो सिंगल एरो तो आंसर है बी इम्प्लाइज क्यू. सिक्स वाला जो क्वेश्चन है इमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट. सो पी डिनोट्स इमा दास विंस गोल्ड मेडल एंड क्यू डिनोट्स हिमा दास रन्स फास्ट. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टेटमेंट बनाने में जो है लॉजिकल स्टेटमेंट बनाइए तो बी हो जाएगा हिमा दास विंस गोल्ड मेडल और क्यू हो जाएगा हिमा दास रन्स फास्ट और फिर फाइनली आंसर हो जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू. सो यस तो आंसर इज पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू बट ये पी और क्यू क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. सेवेंथ वाला एक्स इज नॉट इरेशनल बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. ऑब्वियसली हम वो नॉट वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लिखेंगे लेट पी डिनोट्स एक्स इज इरेशनल नंबर क्यू डिनोट्स एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. तो इसीलिए आंसर जो है बीच में बट है तो बट मतलब एंड ही होता है ठीक है बट और एंड का मीनिंग अपने लिए सेम है. सो आंसर इज नेगेशन पी एंड क्यू. नेगेशन इसके लिए क्योंकि नॉट आया था वहां पर. सो दैट्स इट अपना सेकेंड सम इज कंप्लीटेड. थर्ड वाला देखे राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. सो फोर इज ऑड और वन इज प्राइम बीच में और है तो अब हम जरा टेक्स्ट वाला ले लेते हैं यहाँ पे. सो पहले उन्होंने बोला है फोर इज ऑड तो फॉल्स है बीच में और आएगा एंड वन इज प्राइम ये भी फॉल्स है और फॉल्स का आंसर फॉल्स ऑफ दैट ट्रुथ टेबल के हिसाब से तो पहले वाले का आंसर फॉल्स है तो थर्ड का फर्स्ट वन इज फॉल्स. सेकेंड वाला 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर. तो पहले वाला ट्रू है दूसरे वाला फॉल्स है और बीच में एंड है तो डी एंड एफ मतलब एफ ही होता है तो दूसरा वाला भी फॉल्स. थर्ड वाला 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94. तो पहले वाला तो ट्रू है और 94 में 7 70 77 नो इट इज नॉट डिविजिबल सो ये वाला वापस फॉल्स हो जाएगा. तो इसके लिए पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है बीच में एंड है तो आंसर वापस फॉल्स हो गया. एंड के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही आंसर ट्रू होने वाला है. अब फोर्थ वाला है इट इज नॉट ट्रू दैट पाई माइनस 3i इज अ रियल नंबर. अब इसे आप ध्यान से समझिए अगर पहले तो इसे मुझे स्टेटमेंट में लिखना होता तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है एक सिंपल स्टेटमेंट ही है. यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है ये वाला इट इज नॉट ट्रू मतलब सिंपल एक नॉट ही लगाना है नेगेशन लगाना है आपको. तो 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर को मैं पी ले लूंगा और उसे डिनोट करूंगा मैं पी से ठीक है.
P is 5 minus 3i is a real number. So it is not true, matlab ye statement jo hai, iska symbolic form hai negation P. Ab jo value hai iska, 5 minus 3i is a real number, ye to galat baat hai. So answer yahan pe false aa jayega, aur negation of false matlab true hai. Ise aap dhyan se samajh lijiye, P ko kya denote kiya hai? P ka denotion hai ki 5 minus 3i is a real number. Okay, uske baad statement kya bol raha hai? It is not true that this is a real number. So not true ke liye negation aur wo symbol. Ab 5 minus 3i is a real number to galat baat hai, isliye wo false likh liya, aur negation of false jo hai wo true hota hai. Iska matlab fourth wale ka answer true hai. ऐसे ही आप रिमेनिंग थ्री सम्स को ट्राई करेंगे. अब हम जाते हैं फोर्थ पे. तो फोर्थ जो है इट इज ऑल अबाउट ट्रूथ टेबल. अगर आपको ट्रूथ टेबल ठीक से आता है, आपको ब्रैकेट्स का ध्यान ठीक से रखिए, तो आपका आंसर करेक्ट आने वाला है. तो आप इसे खुद ट्राई करेंगे फोर्थ वाला भी. फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है. नेगेशन लिखना है. नेगेशन लिखना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है. So let us start. Tirupati is in Andhra Pradesh ka answer obviously hai. Tirupati is not in Andhra Pradesh. So ye the straightforward tha. Second wala, 3 is not a root of the equation. So agar pehle se not hai, to ab not nikal jayega. So answer hai 3 is a root of equation. X square plus 3x minus 18 equals to 6. Third wale ka hai root 2 is a rational number. So iska answer aa jayega root 2 is not a rational number. फोर्थ वाला, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागॉन. इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज नॉट अ पेंटागन. अभी लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है. 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5. तो इसका आंसर होगा 7 प्लस 3 इज ग्रेटर का ऑपोजिट होता है लेस देन इक्वल टू. ये इक्वल टू साइन बहुत इंपॉर्टेंट था. सिर्फ ग्रेटर आया है तो लेस लिख के छोड़ नहीं देने का. लेस देन और नीचे इक्वल टू भी आएगा. अगर उन्होंने पहले से इक्वल टू दिया है तो आंसर में इक्वल टू नहीं आएगा, फिर सिर्फ लेस देन आ. अब उन्होंने ग्रेटर देन दिया था तो हमारा आंसर होगा लेस देन इक्वल टू. अगर वो लेस देन देते तो हमारा आंसर होता ग्रेटर देन इक्वल टू. अगर वो लेस देन इक्वल टू देते तो हमारा आंसर होता सिर्फ ग्रेटर देन. And obviously greater than equal to देते हैं तो सिर्फ less than. So this is our answer and that is about exercise 1.1. So everyone needs to solve this exercise 1.1 completely and they have to send it to me today at 8 o'clock, because you will not be having any other lecture today. So do send me this entire exercise 1.1 by 8 p.m. today. Thank you. Take care.